हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा स्पीति वैली। एंड कल रात को हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, हमने डिनर किया एंड बहुत थक गए थे, तो जल्दी से सामान अनपैक करके हम लोग सो गए थे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 एंड आप लोग नज़ारे देख सकते हैं। एक तरफ है ज़ीरो वेजिटेशन, कुछ भी नहीं है, खाली सुनसान पहाड़, एंड दूसरी तरफ स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, यहाँ से हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी, एंड ज़्यादा बात करने से यहाँ पे मतलब सांस भी फूलती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, मतलब कमी है हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से। बाकी हम लोग अभी घूमने वाले हैं, थोड़ी देर में तैयार होके हम निकलते हैं। यहाँ पे जो जो एक्सप्लोर करने का है एक्सप्लोर करते हैं। बाकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हमने सोचा है कि सब कुछ यहाँ पे आसपास घूम के हम लोग रिकॉन्क्वियो बाइक किसी तरीके से लगा दें, क्योंकि हमें पहुँचना है दिल्ली जल्दी से जल्दी। तो अगर आज रिकॉन्क्वियो लग जाती है एनी हाउ, तो हम कल आराम से दिल्ली पहुँच जाएंगे शाम को। तो लेट्स सी, प्लान तो अभी यही है, बट चेंजेस हो जाते हैं, सरप्राइजेज आर ऑलवेज देयर। एंड अभी आप लोग ये चेक करें गाइज, अभी धूप यहाँ पे नहीं निकली है, बट धूप जिस तरफ निकली है उस पहाड़ के पीछे से, वहाँ पे आपको दिख सकता है, उनके पीक्स पे आप लोग देख सकते हैं धूप हल्की हल्की। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पीति। सो आई होप अभी तक आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, एंड वी आर मतलब कमिंग नियर टू द एंड ऑफ दिस सीरीज़। तो आई एम श्योर आप लोग इस सीरीज़ को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, क्योंकि इस बाइक को यहाँ पे लाना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि मैंने भी जब ये बाइक मैं चितकुल से निकाल रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि आज आप एक दिन में कैसे पहुँच जाओगे और आप ये वाली बाइक लेके आए। काफ़ी आई कैची बाइक की लुक्स है, आप लोगों ने देखा। सो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एंड अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको थोड़ा बता भी दूंगा कि मतलब स्पीति का आप लोग कैसे प्लान करें, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम में ही अच्छा चला गया विदाउट एनी फॉल। तो आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आई एम श्योर मैं वीडियो बना दूंगा इसके बाद, प्राइस के लिए एंड एकोमोडेशन कहाँ लें, कैसे क्या प्लान करें। तो अभी हम निकलते हैं तैयार होके, एंड फिर आपसे बात करते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। So, दोस्तों ये है कुछ काजा शहर, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, मोस्टली यहाँ पे होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, एंड बहुत ही सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स हैं, हिमालयन कैफे एंड ऑल। एंड यहाँ पे आप लोग चेक करें, यहाँ पे कुछ घूमने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, एंड अभी तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है इस तरफ, बट हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे लोग रहते हैं, एंड कुछ ही किलोमीटर्स में यहाँ पे घूमने की भी जगह है। सो वी आर रेडी टू रोल एंड वहाँ पे जल्दी से चलेंगे, एंड आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या है देखने के लिए। सो टाइम 7:45 एंड हम लोग अब निकल रहे हैं चीचम ब्रिज के लिए, एंड आस पास की सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो। तो कॉल स्टार्ट हो गई है अपनी बाइक, हल्की हल्की आवाज़ में थोड़ी चेंजिंग, थोड़े शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो सकता है, बट इट्स गुड, एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। सो भाई लोग, सवारी निकल चुकी है अपने यात्रा के लिए। तो सबसे पहले हम अभी जाने वाले हैं चीचम ब्रिज, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है और अपने इंडिया में है, तो अभी हम सबसे पहले वहां जाने वाले हैं। सो काफ़ी टाइम के बाद इतना सुंदर हाईवे देखने को मिला है, जहां पे नज़ारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एंड हमें यहां पे बाइक 5वें 6वें गियर तक चलाने को मिल रही है। इससे पहले वाली सीरीज़ अगर आप, इससे पहले वाला एपिसोड अगर आप देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं उसमें पहले दूसरे तीसरे इन्हीं गियरों पर बाइक चल रही है, एंड बाइक में बहुत ही लोड आ रहा था, बट यहाँ पर भी हम 5वें 6वें गियर पर पहुँचा रहे हैं, भगा रहे हैं, और बट हाँ आप आवाज़ सुन सकते हैं थोड़ी सी,
थोड़ा सा प्रेशराइज्ड है इंजन, ऐसा लग रहा है थोड़ी घुटके चल रही है, बट फिर भी पावर की कोई कमी नहीं आ रही है एंड वी आर गुड टू गो। क्या मस्त फीलिंग आ रही है यहाँ पे बाइक चलाने में। बिल्कुल डेजर्ट वाला एरिया है, बिल्कुल मतलब यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम है, तो ये डेजर्ट देख के ऐसा मस्त फीलिंग आ रहा है राजस्थान वाला। बट एक जो है राजस्थान जहाँ पे डेजर्ट है हॉटेस्ट डेजर्ट, और ये वाला जो डेजर्ट है ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है, जो कि है अपना स्पीति। तो निकलने से पहले मन में काफ़ी सारी चीज़ें थी कि पता नहीं स्पीति हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों का ब्रेकडाउन भी होता है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे मन में कि स्पीति हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अपनी बाइक अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बट बाइक ने बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म किया, कहीं पे भी दम नहीं तोड़ा, कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं हुई, हर टेरेन पे खड़ी उतरी है ये बाइक। और इसका इंजन भाई क्या बताऊँ, जैपनीज टेक्नोलॉजी ने क्या मस्त इंजन रिफाइन किया है सुजुकी के साथ मिलके, तो बहुत ही मज़ा आया अभी। एंड हम धीरे 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 इस बाइक के साथ इतनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं ना, जैसे चितकुल के हमने लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, एंड अभी हम करने वाले हैं चीचम ब्रिज जो हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड है, एंड उसके बाद हम करेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो कि वो भी इंडिया में ही है, तो उसके बाद हम वो वाली अचीवमेंट भी इस बाइक के साथ करने वाले हैं। तो भाई लोकेशन की अपडेट ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे की मॉनेस्ट्री, और अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे चीचम ब्रिज, एंड चीचम ब्रिज से आगे जाके हम पहुँच जाएंगे किबर विलेज। सो कुछ ही देर में हम चीचम ब्रिज में पहुँचने वाले हैं। चीचम ब्रिज जो है एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, जो कि है 13,996 फीट्स अबव द सी लेवल, तो हम काफ़ी पास हैं चीचम ब्रिज के। गूगल मैप्स हमें दिखा रहा है कि बस शायद एक या दो मिनट में हम पहुंचने वाले हैं, तो फटाफट से चलते हैं एंड चीचम ब्रिज को देखते हैं, शायद यही है चीचम ब्रिज। तो चीचम ब्रिज दो विलेजेस को जोड़ता है, एक है चीचम और एक किबर। सो फाइनली वी आर हियर एट चीचम ब्रिज, द वेरी फेमस ब्रिज। सो देवियों और सज्जनों, तो आप देख सकते हैं ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज जिस पे अभी हमारी बाइक चल रही है, एंड बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही है इस वक्त, क्योंकि इस ब्रिज तक पहुंचने में बड़ी मेहनत लगी है, बहुत देर तक बाइक चलानी पड़ी है। ब्रिज भी बहुत ही मज़बूत है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इन फ्लैग्स के साथ। एंड अगर हम यहाँ से अब सीधा चले जाते हैं तो 3 किलोमीटर आता है किबर विलेज, तो शायद हम उस विलेज में अभी ना जाएं क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं। यहाँ से अगर हम 3-4 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमें किबर विलेज देखने को मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, एंड जो मिट्टी के घर हैं ऐसे फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो, ऐसे कुछ घर बने हुए होंगे। ज़्यादा कुछ वहाँ पे घूमने के लिए नहीं है, बस थोड़े व्यूज़ वगैरह के लिए लोग जाते हैं। एंड अभी हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी हम की मॉनेस्ट्री जा रहे हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है। सो लेट्स गो वहाँ पे। सो दोस्तों, अभी हम एक बहुत ही एपिक और एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे जाने वाले हैं, वो है की मॉनेस्ट्री जो कि है 13,668 फीट्स अबव द सी लेवल। कहते हैं कि ये मॉनेस्ट्री 1,000 साल से भी पुरानी है, एंड यहाँ पे जो पुराने टाइम पे लामास होते थे उनकी ट्रेनिंग सेंटर को की मॉनेस्ट्री कहते थे, तो काफ़ी पुरानी ये मॉनेस्ट्री है। तो फटाफट से जाते हैं वहाँ पे एंड देखते हैं ऐसा क्या खास है उस मॉनेस्ट्री में, एंड पूरा शूट करते हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो में बने रहना, एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना साथ के साथ, एंड कॉमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है। पर अभी तो मुझे ये ऑफ रोड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो फटाफट से निकालते हैं यहाँ से एंड चलते हैं की मॉनेस्ट्री। दोस्तों वो है किबर
मतलब वो सिर्फ एक व्यू के लिए वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। सफ़ेद सफ़ेद घर बने हुए हैं तो काफ़ी एक आई कैची सा लगता है वहाँ से। एंड ज़्यादा कुछ वहाँ पे घूमने के लिए नहीं था तो इसलिए हम लोग नहीं गए वहाँ पे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं की मोनेस्ट्री। सो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया था। सो अभी आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं नज़ारे। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं की मोनेस्ट्री के गेट पे। तो यहाँ से हमारी हो चुकी है एंट्री एंड नज़ारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सामने के पहाड़ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जो कि दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अभी मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि की मोनेस्ट्री में एक जॉन अब्राहम की मूवी भी शूट हुई है। बाप आई डोंट नो आप लोगों ने देखी हो, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी, काफ़ी पुरानी मूवी हो सकती है। बट फटाफट से चलते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ की मोनेस्ट्री देखने के लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ में देखने को मिला था कि काफ़ी सुंदर है। एंड यहाँ पे एक हर्बल वाटर पीने, मतलब हर्बल वाटर या शायद हर्बल टी मिलती है, तो वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे क्या मिलता है। तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो सबको वो लोग देते हैं जो जो भी वहाँ पे ऐसे ट्रैवल करके जाते हैं, एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जाते हैं वहाँ पे एंड फिर आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे होता है डब्बे में डब्बा, वैसे ही है गेट के अंदर गेट। तो काफ़ी सारे गेट पार करने के बाद फाइनली शायद मुझे लग रहा है कि हम की मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं, जो कि है ऊपर, हमें दिख रही है। तो यहां से हम चढ़ा रहे हैं ऊपर बाइक, एंड मुझे लग रहा है ये जो लेफ़्ट साइड में जो रोड जा रहा है यहां पे पार्किंग है, बट बाइक की पार्किंग आई गेस ऊपर होगी, राइट। तो हम ऊपर लेके जा रहे हैं बाइक, क्योंकि बाइक आराम से ऊपर पार्क हो सकती है एंड बसेस और कार्स वगैरह नीचे ही लगती हैं। तो ऊपर चलते हैं, बाइक पार्क करते हैं, फटाफट से चलते हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे करेंगे बाइक को पार्क, एंड यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊपर बाइक नहीं जाती है। तो ऊपर जाते हैं एंड आपको दिखाते हैं नज़ारे। एंड धूप इतनी अच्छी लग रही है ना अभी, क्योंकि पूरी रात माइनस में टेम्परेचर था, तो वहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा सा टफ था, बट अभी टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सूदिंग है। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर एंड दिखाते हैं नज़ारे। सो मेन टेम्पल काफ़ी ऊपर है, देख सकते हो आप। वहाँ नीचे से आपको काफ़ी सारे स्टेयर्स ऐसे ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे है मेन टेम्पल। ऑक्सीजन की यहाँ पे काफ़ी कमी है, तो थोड़ा तो वर्क करना पड़ेगा। अंदर मिलते हैं आपसे। अभी आप लोगों ने मोनेस्ट्री देख ली होगी। ऊपर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को फ्री हर्बल टी ऑफर करी जाएगी, जो काफ़ी अच्छी है एंड बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं, वो आपको दे देंगे। बाकी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो ज़्यादा फ़ोटोज नहीं क्लिक कर पाए। बाकी जो हम वीडियोग्राफी कर सकते थे थोड़ी बहुत बाहर से, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हिकिम, द लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद एक और जगह है वहाँ पे भी जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपने फीडबैक्स के लिए, एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। एंड मुझे करना है इसके बाद लद्दाख, वो आपकी मोटिवेशन के बिना नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे हमें मिलेगी मोटिवेशन लद्दाख करने की।
सो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हम एक और अचीवमेंट करने वाले हैं, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, विच इज़ इन इंडिया। तो अगले वीडियो का करना इंतज़ार। तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ एंड बाय बाय।